प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप का दौरा किया और द्वीप समूह और स्नॉर्कलिंग में समय बिताते हुए अपनी तस्वीरें साझा की। ये तस्वीरें वायरल हो गईं और कई लोगों ने उनकी तुलना मालदीव से की और इसे मालदीव से बेहतर पर्यटन स्थल बताया। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से भारत में भी सोशल मीडिया यूजर्स लोगों से मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने की अपील कर रहे हैं। मालदीव के एक मंत्री ने इस मामले को लेकर विवादित पोस्ट किया, जिसके बाद दोनों देशों के यूजर्स भी इस मुद्दे पर भिड़ गए हैं। अब इस चर्चा में बॉलीवुड सितारे भी शामिल हो गए हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान, जॉन अब्राहम और श्रद्धा कपूर समेत कई बॉलीवुड सितारों ने पीएम मोदी की यात्रा का जिक्र करते हुए लोगों से लक्षद्वीप जाने की अपील की है। अक्षय कुमार ने मालदीव के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए इसे अकारण नफरत बताया। उन्होंने लिखा कि मालदीव के प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों द्वारा भारतीयों पर घृणित और नस्लवादी टिप्पणियां की गईं। आश्चर्य है कि वे उस देश में ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें अधिकतम संख्या में पर्यटक भेजता है। हम अपने पड़ोसी के लिए अच्छे हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करें इस तरह की अकारण नफरत बर्दाश्त करें। मैंने कई बार मालदीव का दौरा किया है और हमेशा इसकी प्रशंसा की है, लेकिन पहले गरिमा, आइए हम भारतीय द्वीपों का पता लगाने का फैसला करें और अपने स्वयं के पर्यटन का समर्थन करें। इस तरह से बॉलीवुड के सितारे अक्षय कुमार ने अपनी भावनाएं जाहिर की। तो वहीं सलमान खान ने कहा कि लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्र तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखना बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमारे भारत में है। वहीं जॉन अब्राहम ने भी समुद्र तटों की शानदार तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि अद्भुत भारतीय आतिथ्य, अतिथि देवो भव के विचार और विशाल समुद्री जीवन की खोज के साथ लक्षद्वीप जाने लायक जगह है। तो वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये तस्वीरें भारत और मीम्स मुझे अब सुपर फेमो बना रहे हैं। लक्षद्वीप में ऐसे प्राचीन समुद्र तट और तट रेखाएं हैं जो स्थानीय संस्कृति से समृद्ध हैं। मैं इस साल एक छुट्टी बुक करने की कगार पर हूँ। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट किया कि एक ही समुदाय से होने के बावजूद बड़े पैमाने पर मुस्लिम भय से पीड़ित, लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम आबादी है। मालदीव का यह प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति उन्हें बदबूदार और नीच कहना नस्लवादी और अज्ञानी है। मिस्टर जाहिल, लक्षद्वीप की पूरी आबादी मुश्किल से 60,000 लोगों की है, जिसका अर्थ यह है कि लगभग अछूता, अज्ञात और अप्रयुक्त प्राकृतिक द्वीप अधिकांश लोगों के लिए पर्यटन केवल गंदी विलासिता नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की खोज, स्रोत के साथ संरेखण और सबसे बढ़कर अछूते समुद्र तटों की कच्ची अछूती सुंदरता का अनुभव और आनंद लेना है। इतने घटिया और अभद्र नस्लवादी होने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। वहीं फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री के माध्यम से लक्षद्वीप के मनमोहक आकर्षण की खोज, नरेंद्र मोदी की हालिया यात्रा ने मुझे पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया है। इस छिपे हुए रत्न को अपनी यात्रा इच्छा सूची से सबसे ऊपर जोड़ रहा हूँ। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जैसे जैसे विवाद गहराता जा रहा है, वैसे वैसे चर्चा में और भी मशहूर हस्तियों के शामिल हो रहे हैं। इस विवाद ने बड़ा रूप तब ले लिया जब पीएम मोदी के जरिए लक्षद्वीप घूमने की अपील और मालदीव के राजनीतिक नेताओं ने विवादित पोस्ट किए। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।